नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू ने एक बार फिर दावा किया है कि 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और झारखंड में रांची में उन्होंने दावा किया कि देश 2024 में भाजपा मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस विषय पर चर्चा होगी। पार्टी इमोशन से नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। उन्हें स्थानीयता की परिभाषा से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। जेडीयू के झारखंड प्रभारी से विस्तृत जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार से मामले को लेकर बात भी की जाएगी। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं, वो आज आज़ादी का इतिहास बदल रहे हैं। सभी सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिले थे। ये विपक्षी एकता को लेकर ललन सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर एकजुट रहने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा पर भी ललन सिंह ने कहा कि अब वे पार्टी में नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाया जाए। तो ललन सिंह ने दो दिन पहले भी ये बयान दिया था। तो झारखंड दौरे पर हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड की राजधानी रांची में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये दावा किया कि 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। यह बात भी कही कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर कोई पहल नहीं की है, दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो आप जानते हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का जो रुख है विपक्षी एकता को लेकर, इससे साफ होता है कि जेडीयू में उसको लेकर नाराजगी है। आप जानते हैं अब से कुछ महीने पहले ही जेडीयू ने खासकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी, विपक्षी एकता का अभियान शुरू किया था। और जेडीयू की तरफ से जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी एकता का चेहरा है। और नीतीश कुमार ने भी दो बार वो दिल्ली गए, एक बार वो अकेले दिल्ली गए जहां वो अखिलेश यादव से मिले, जहां वो सोनिया गांधी से मिले, जहां वो विपक्ष के कई दूसरे नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। दूसरी बार वो लालू यादव के साथ दिल्ली गए और तब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। लेकिन कांग्रेस बहुत दिलचस्पी नीतीश कुमार के इस अभियान में नहीं दिखा रही, ये साफ तौर पर दिखता भी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।